So in this chapter till now we learnt about the gravitational facts about the whole universe. But now onwards our topic will just revolve around the earth surroundings. मतलब earth पर क्या क्या इस gravitational force के effects होते हैं या फिर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, यही सब पढ़ेंगे. मतलब हमारा जो टॉपिक है अराउंड ही अर्थ ही रहने वाला है और इसमें पढ़ेंगे अर्थ का ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ. सो फर्स्ट टॉपिक इज स्मॉल जी, दैट इज अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से, और बिग जी से हम डिनोट करते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन केजी स्क्वायर. और ये होता है स्मॉल जी, ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू हम अब फाइंड करने वाले हैं, सो अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कंसेप्ट कहाँ से आया, रेफरेंस कहाँ से है. सो देखिए, अभी तक हमने पढ़ा कि अर्थ हर ऑब्जेक्ट पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, अभी हम रेफरेंस के लिए सिर्फ अर्थ के अराउंड जो ऑब्जेक्ट्स है वही लेंगे. अभी जैसे अर्थ के अराउंड जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, सो उन पर फोर्स तो लगता ही है. और लास्ट ईयर देखिए, याद करिए न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता था, द फोर्स एक्टिंग अपॉन एन बॉडी क्रिएट्स एक्सेलरेशन इन द बॉडी, या फिर ऐसा ही कुछ, लेकिन मीनिंग यही है कि वर्ड्स थोड़े अलग है, लेकिन मीनिंग यही है कि अगर एक बॉडी पे फोर्स लगता है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस जरूर होता है, सो सबसे पहले अब हम ले लेते हैं, ये समझिए ये अर्थ है, इसका मास हमने ले लिया बिग एम, ये अर्थ का सेंटर है, और इसके ऊपर एक स्मॉल एम वाला कोई भी ऑब्जेक्ट खड़ा है, या फिर कोई भी एक अर्थ के ऊपर स्मॉल एम वाला ऑब्जेक्ट है. सो देखिए, हमने क्या कहा था, अर्थ की ग्रेविटी कहाँ पे, यहाँ पे सेंटर पे. अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ की ग्रेविटी सेंटर पे. सो इस अर्थ से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम मेजर करेंगे इस सेंटर से, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस ऑफ द अर्थ, जो कि होगा बिग आर. हम बिग आर से इसको डिनोट करेंगे, सो देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या कहता था, न्यूटन्स का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, F इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इन टू, अभी देखिए इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, सो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस मीन्स बिग एम इंटू स्मॉल एम, जी इंटू एम एम अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर. सो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज आर, इसका स्क्वायर. इसे इक्वेशन नंबर दे देंगे फर्स्ट. लेकिन फोर्स जो होता है वो क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन. यहाँ पे मास क्या है बॉडी का, अभी देखिए हम इस बॉडी के रेफरेंस में देखेंगे, इस बॉडी में, क्योंकि अर्थ में तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, अर्थ तो वहीं पर रहेगी. एक्सेलरेशन किस बॉडी में प्रोड्यूस होगा, इस स्मॉल एम वाली बॉडी में. सो हम इस बॉडी के रेफरेंस में इसमें कितना एक्सेलरेशन बनता है ये देखेंगे. सो F is equal to ma, therefore the force is also equal to mass into, यहाँ पे acceleration कौन सा है, हम gravitational acceleration लेंगे, क्योंकि gravitational acceleration की value find करनी है, इसलिए F also is equal to m into g. ये equation है second, यह है second equation. So from 1 and 2 दोनों forces similar है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, g एम एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी. सो एम जी इज इक्वल टू जी इंटू बिग एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर. ये हम कह सकते हैं, यहाँ पे स्मॉल एम, यहाँ पे भी स्मॉल एम कट हो गया, देयरफॉर
जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, वेयर जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, एम इज मास ऑफ द अर्थ एंड आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, एंड आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ. सो वी डिराइव वन फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद भी रखना है. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ एनी प्लैनेट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ एनी प्लैनेट इज जी एम अपॉन आर स्क्वायर, इज जी एम अपॉन आर स्क्वायर. बट नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑल्सो, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना जी की. इसका फॉर्मूला तो फाइंड कर लिया, लेकिन इस जी की अर्थ पे वैल्यू क्या है ये फाइंड करनी है. सो देयरफॉर जी इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की वैल्यू हमने बता दी थी 6.67 × 10⁻¹⁷ इंटू, अभी देखिए मास ऑफ द अर्थ क्या है, मास ऑफ द अर्थ है 6 × 10⁻²⁴. क्या होता है मास ऑफ द अर्थ, 6 × 10⁻²⁴ kg, किलोग्राम्स, यानी कि 6 × 24 जीरो है. अभी अपन में देखिए रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू इट्स 64 × 10⁵. 64 या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, एक्चुअली डिनोट जब करते हैं ना हम ये करते हैं 6.4 × 10⁶, यहाँ पे एक पावर बढ़ा देते हैं और लेकिन 64 में 6.4 लिखते हैं, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे भी 6.67 लिखा, यहाँ पे 6 लिखा. इसका स्क्वायर देखिए आर का स्क्वायर, इसलिए इसका स्क्वायर जब हम कैलकुलेशन करेंगे सो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, जी इज इक्वल टू इन टोटल इसकी कैलकुलेशन करके जी की वैल्यू आने वाली है 9.77, ये आने वाली है. और यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या होता है एक्सेलरेशन का, ये एक्सेलरेशन है. सो यूनिट ऑब्वियसली मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट ऑब्वियसली क्या आने वाला है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो वैल्यू ऑफ जी मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एंड फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन एनी प्लैनेट इज जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, वेयर जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, मास इज सॉरी एम इज द मास ऑफ द प्लैनेट एंड आर इज द रेडियस ऑफ द रिस्पेक्टिव प्लैनेट. सॉरी सो हियर वी डिराइव द वैल्यू ऑफ जी मीन्स अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. सो देखिए हम जी की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं वैसे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जब हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने रहते हैं सो वो कहते हैं अज्यूम जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो ये तीनों वैल्यू याद रखनी है, तीनों वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं, 9.77 याद रखिए, 9.8 याद रह जाएगा. और जब कहा है, जब न्यूमेरिकल में कहा गया कि टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तभी जी इज इक्वल टू 10 लेना है, अदरवाइज जी इज इक्वल टू 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और वही हो जाता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो दिस वॉज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ. एंड नाउ वी विल स्टडी द वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी. सो देखिए ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इसकी वैल्यू हमेशा अर्थ पे या फिर मतलब अर्थ के आजू बाजू में कांस्टेंट नहीं रहती है. सो ये कहाँ पे कम होती है कहाँ पे ज़्यादा होती है ये अभी हम सीखेंगे. सो देखिए फर्स्ट टॉपिक है चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ. चेंज अलोंग द सरफेस, अभी चेंज अलोंग द सरफेस में देखिए, देखिए हम अज्यूम करते कि अर्थ टोटल राउंड है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी कुछ ऐसी है, अर्थ भी कुछ ऐसी है, मतलब इक्वेटर पे ये फैली हुई है क्योंकि ये रोटेट करती है, इसलिए वो बात की बात है. लेकिन आप अभी सिर्फ याद रखिए कि इक्वेटर पे ये फैली हुई है और जो पोल्स हैं हमारे वहाँ पर ये थोड़ी कॉन्ट्रैक्टेड है, इक्वेटर्स पे फैली हुई है और जो पोल्स हैं हमारे वहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्टेड है थोड़ी, वहाँ पे ये थोड़ी कॉन्ट्रैक्टेड है. सो यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो अर्थ का रेडियस होता है वो थोड़ा इसके मुकाबले ज़्यादा होता है. यहाँ पे अगर आर हुआ तो यहाँ पे आर प्लस समथिंग वैल्यू,
यहाँ पे आर प्लस इक्वेटर पे, यहाँ पे समथिंग वैल्यू। सो ये जैसे यहाँ से यहाँ हम आते हैं मतलब पोल से इक्वेटर तक, तब तब आर की वैल्यू बढ़ती जाती है, और फिर से जब हम इस इक्वेटर से नीचे जाते हैं फिर से किसी पोल तक, सो इसकी वैल्यू थोड़ी थोड़ी आर की वैल्यू कम हो जाती है। सो इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये कहाँ पे चेंज होता है, देखिए हमारा जी का फॉर्मूला था यहाँ पे लिख देते हमेशा काम में आएगा, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर ये था। सो देखिए आर जितना कम होगा क्योंकि अपॉन में है ना, एज आर इज इन द अपॉन मतलब आर जब डिवाइडेशन में है, सो जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वन अपॉन आर स्क्वायर, ये भी हम कह सकते हैं। दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, ये भी हम कह सकते हैं क्योंकि ये इज इक्वल टू अपॉन में ऊपर की कुछ तो भी वैल्यू है, इसलिए डायरेक्टली जी इज इक्वल टू वन अपॉन आर स्क्वायर नहीं कह सकते। सो हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन डाल दिया, हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन डाल दिया, सो जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। सो जब जब आर की वैल्यू बढ़ेगी तब तक जी की वैल्यू कम होगी, और जब जब आर की वैल्यू कम होगी तब तक जी की वैल्यू बढ़ेगी, ये मेन बात है। सो आर की वैल्यू बढ़ेगी सो जी की वैल्यू कम होगी, इक्वेटर पे आर की वैल्यू बढ़ रही है, इक्वेटर पे आर की वैल्यू बढ़ रही है, सो यहाँ पे जी की वैल्यू थोड़ी कम होगी, और पोल्स पे ये दोनों पोल्स पे आर की वैल्यू जो है वो कम हो रही है, सो जी की वैल्यू यहाँ पे बढ़ेगी, जी की वैल्यू यहाँ पे बढ़ेगी क्योंकि रेडियस कम है वहाँ पे, जहाँ पे रेडियस कम वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा, यानी जी की वैल्यू ज़्यादा, जहाँ पे रेडियस कम वहाँ पे जी की वैल्यू ज़्यादा, जहाँ पे रेडियस ज़्यादा वहाँ पे जी की वैल्यू कम होने वाली है। सो यहाँ पे पोल्स पे जो वैल्यू होती है जी के ऑन पोल्स, वैल्यू ऑन पोल्स क्या होती है, ये होती है अप्रोक्सीमेटली 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बुक में भी दिया हुआ है ये, और जी की वैल्यू ऑन द इक्वेटर, जी की वैल्यू इक्वेटर के पास क्या होती है 9.78 अप्रोक्सीमेटली मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ये होता है चेंज अलोंग द सरफेस, मतलब यहाँ से जैसे पोल से जैसे जैसे इक्वेटर पे आएंगे वैसे वैसे वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, फिर से इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगी तब तक वैल्यू कम होती जाएगी, थोड़ी धीरे 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 कम होती जाएगी। यहाँ पे पोल से इधर इधर आ रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी, यहाँ से फिर से थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी। सो ये था चेंज अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द अर्थ। सेकेंड है हमारा चेंज विथ हाइट, चेंज विथ हाइट। सो सेकंड है हमारा चेंज विथ हाइट, हाइट के साथ क्या चेंज होता है। सो ये पहले वाला रफी कर देते, सो सेकंड इज चेंज विथ हाइट। अभी देखिए हमारा फार्मूला है जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, अगर ये अर्थ है ये आर है, लेकिन अगर हम इसके ऊपर थोड़ा गए, अर्थ के सरफेस से थोड़ा ऊपर गए, सो ये एच समझिए, मान लीजिए एच हाइट हम ऊपर गए, सो हमारे बीच का डिस्टेंस कितना हुआ आर प्लस एच, सो जी की वैल्यू भी क्या होगी, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन डिस्टेंस क्या हुआ आर प्लस एच का होल ब्रैकेट स्क्वायर। सो ये जो अपॉन वाली वैल्यू मतलब डिवाइडेशन वाली वैल्यू है वो थोड़ी बढ़ गई, डिवाइडेशन वैल्यू वैल्यू बढ़ गई मतलब जी की वैल्यू कम हो गई। सो विथ इंक्रीज इन हाइट द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीजेस मीन्स वैल्यू ऑफ द जी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन हाइट वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। सो ये था हमारा सेकंड चेंज विथ हाइट, अगर हाइट जितने जितने हम ऊपर जाएंगे, जितने जितने अर्थ के सरफेस के ऊपर जाएंगे, ये जो वैल्यू है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की
ये उतनी उतनी कम होती जाएगी, ये उतनी उतनी कम होती जाएगी। हाँ, इसके बाद क्या कर सकते हो? हाँ, चेंज विथ डेप्थ। अभी यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, चेंज विथ डेप्थ मतलब ये जो अर्थ है इसके हम जितने अंदर जाएंगे, हम जब अंदर जाएंगे तो वैल्यू ऑफ जी बढ़ेगी या कम होगी? जब हम अर्थ के अंदर जाएंगे तब वैल्यू ऑफ जी बढ़ेगी या कम होगी, ये बात है। तो अभी देखिए, सिंपल लॉजिक हमारा ये कहता है कि जब हम ऊपर जा रहे थे अर्थ से तो आर की वैल्यू बढ़ रही थी, इसलिए जी की वैल्यू घट रही थी। सो अभी आर की वैल्यू तो कम हो रही है और ये एज डिवाइडेशन में आ रहा है, सो जी की वैल्यू बढ़नी चाहिए, ये सिंपल लॉजिक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, जैसे जैसे हम अर्थ के नीचे जाते हैं, जैसे जैसे हम अर्थ के नीचे जाते हैं वैसे वैसे जी की वैल्यू कम होती जाती है, वैसे वैसे जी की वैल्यू कम होती जाती है। अभी देखिए क्यू, हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही फैक्टर लिया, आर कम हो रहा है, क्या आर कम हो रहा है। लेकिन देखिए, अगर समझिए हम अर्थ के ये सरफेस है अर्थ का, यहाँ से हम यहाँ तक डीप में आ गए, यहाँ तक डीप में आ गए, सो ये हाइट ऑल दो आर माइनस एच हो गई, आर की वैल्यू तो कम हो गई यहाँ पे। लेकिन अब हम जो अर्थ लेंगे वो इसी रेडियस की लेंगे, मतलब इसके अंदर की। अभी जो हम मास काउंट करेंगे वो टोटल अर्थ का काउंट नहीं करेंगे, मास हम मास काउंट करेंगे सिर्फ इस अर्थ का, जो हमने नया रेडियस बनाया, जो हमने नया रेडियस वैल्यू के लिया उसी अर्थ का मास हम काउंट करेंगे। सो इसलिए आर तो कम हुआ ही है लेकिन साथ ही साथ मास भी कम हुआ है, साथ ही साथ ये मास जो है अर्थ का वो भी कम हुआ है, साथ ही साथ अर्थ का मास भी कम हुआ है। क्यों? क्योंकि जितना हम रेडियस लेंगे उतने ही रेडियस वाली अर्थ का हमें मास लेना है, ये वाला मास जो है वो हमें कैलकुलेशन से डिलीट करना पड़ेगा, ये वाला मास कैलकुलेशन से जो आउटर मास है ये डिलीट करना पड़ेगा। जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ से सेंटर का डिस्टेंस उतने ही रेडियस की जो अर्थ है उसका ही मास हम कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ इतने अर्थ का मास कैलकुलेट करेंगे, ये आउटर अर्थ का मास कैलकुलेट नहीं कर सकते उस वक्त जब हम कैलकुलेट करेंगे जी की वैल्यू। सो एज अ रिजल्ट जब ये मास कम होता है, देखिए रेडियस तो थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक कम हुआ लेकिन ये जो मास कम होता है ना, ये बहुत ज़्यादा मास कम होता है, अर्थ का मास बहुत ज़्यादा कम होता है विथ एज रिस्पेक्ट टू रेडियस। इसलिए एक्चुअल में क्या होता है कि भाई हमने अज्यूम किया था कि भाई आर की वैल्यू कम हो रही है इसलिए जी की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन आर के साथ साथ ये जो एम की वैल्यू कम हो रही है, मतलब अर्थ के मास की वैल्यू कम हो रही है, ये मास बहुत कम हो जाता है विद एज रिस्पेक्ट टू एस। सो रिजल्ट क्या होता है कि वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विथ डेप्थ, मतलब जितने डीप जाएंगे उतनी वैल्यू जी की कम होगी, उतनी वैल्यू जी की कम होगी क्योंकि रेडियस से ज़्यादा मास गिर जाता है, रेडियस से ज़्यादा मास गिर जाता है। सो तीन कंडीशन हमने पढ़ी, फर्स्ट चेंज अलॉन्ग द सर्फेस ऑफ अर्थ में हमने पढ़ा कि पोल्स पे वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, मतलब थोड़ी ज़्यादा होती है जी की, क्योंकि वो पोल्स पे रेडियस कम होता है और इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा होता है, इसलिए वैल्यू ऑफ जी थोड़ी कम होती है, पोल्स पे वैल्यू ऑफ जी थोड़ी बड़ी हुई होती है। सेकंड चेंज विथ हाइट, जैसे जैसे हम अर्थ के ऊपर जाएंगे, अर्थ के ऊपर हाइट हम बढ़ाएंगे क्योंकि आर इंक्रीज हो रहा है इसलिए वैल्यू ऑफ जी कम होगी, और साथ ही साथ डेप्थ में भी जी की वैल्यू कम होगी, जैसे जैसे हम अर्थ के डीप में जाएंगे वैसे वैसे वैल्यू ऑफ जी कम होगी। क्यों? क्योंकि भले आर तो कम हो रहा है लेकिन मास जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, मास जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, इसलिए फिर से जी की वैल्यू कम होगी, इसलिए फिर से जी की वैल्यू जो है वो कम होगी। सो ये थे हमारे कंक्लूजन ऑन द वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी, ऑन द वेरिएशन ऑन वैल्यू ऑफ जी। इसके बाद हमारा टॉपिक है मास एंड वेट, इसके बाद का टॉपिक है मास एंड वेट। एक तरफ लिख देंगे मास, डिफ्रेंशिएट करेंगे, अभी देखिए यहाँ पे मास मतलब क्या है, मास इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी,
मास क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी, और वेट क्या है। अभी देखिए वेट क्या है, वेट और मास में बहुत ज़्यादा फर्क है। वेट इज वेट इज द फोर्स ऑन द बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी। ये समझ लीजिए मास ओरिजिनली, मास जो है हमारा वो क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन बॉडी, और वेट जिसे हम आज तक मास की तरह ट्रीट करते थे, वेट एक्चुअली में एक फोर्स है। वेट इज द फोर्स ऑन द बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि ग्रेविटी की वजह से हम पर लगता है, जो कि ग्रेविटी की वजह से हम पर लगता है, ऐसे फोर्स को वेट कहते हैं। और ओरिजिनली मास है जो हमारी कैलकुलेट करता है कि हमारे बॉडी में कितना मैटर प्रेजेंट है। अभी इसके साथ सेकंड पॉइंट देखिए, मास क्या है, स्केलर, मास इज स्केलर क्वांटिटी, मास एक स्केलर क्वांटिटी है। ये कभी मतलब इसको डायरेक्शन नहीं होती, इसकी सिर्फ एक वैल्यू होती है। सेकंड है, अभी वेट एक फोर्स है, सो और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेट एक फोर्स है और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेट क्या है, इट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। देखिए अभी स्केलर और वेक्टर में अगर आपको पता नहीं होगा डिफरेंस क्या है, सो देखिए स्केलर मतलब जैसे हमने मास ले लिया, अमाउंट ऑफ मैटर की डिरेक्शन नहीं होती, मतलब अमाउंट ऑफ मैटर की सिर्फ एक वैल्यू होती है, एक तो 39 kg या फिर 40 grams एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसकी सिर्फ एक वैल्यू होगी, ऐसी बहुत सारी स्केलर क्वान्टिटीज़ है। लेकिन जो वेक्टर क्वान्टिटीज़ होती है उनकी डिरेक्शन होती है, जैसे अगर हमने कह दिया वेलोसिटी, वेलोसिटी जो होती है, अगर समझिए हमने मान लिया 40 किलोमीटर पर आर, ये अगर वेलोसिटी, या फिर हमने ले लिया एक्सेलरेशन, सॉरी कुछ भी वेलोसिटी एक्सेलरेशन स्पीड कुछ भी ले लिया, सो किस डिरेक्शन में हम ये बता सकते हैं, वेलोसिटी इस डिरेक्शन में, मतलब अगर ये सामने जा रहा है तो भाई इस डिरेक्शन में 40 किलोमीटर पर आर जा रहा है हम, और वही अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू इस डायरेक्शन कहें कि भाई पीछे कितना जा रहा है, सो -40 किलोमीटर पर आर जा रहा है, पीछे कितना जा रहा है -40 किलोमीटर पर आर, ऐसे कह सकते हैं। सो ये जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, अभी फोर्स देखिए, फोर्स भी ऐसे अगर हम फोर्स की बात कर रहे हैं, सो मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, तो डिरेक्शन होती है ना फोर्स की, इधर से लगा रहा हूँ, इधर से लगा रहा हूँ, या फिर इधर से लगा रहा हूँ, फोर्स की भी एक डिरेक्शन होती है। सो जिस ये जो क्वांटिटीज़ होती है जिसकी डिरेक्शन भी होती है, जिसके साथ डिरेक्शन होती है, उसे हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं, और जिसकी सिर्फ वैल्यू होती है उसे हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। सो ये था स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस। इसके बाद मास जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन वेट क्या है, यहाँ पे लिख दीजिए, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट varies from place to place, अभी देखिए क्यों, क्योंकि वेट जो होता है वो हमारा क्या होता है, फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू एम जी, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जैसे जैसे जी चेंज होगा वैसे वैसे ये डब्ल्यू चेंज होगा, डब्ल्यू की वैल्यू चेंज होगी जी के साथ में, जी ज़्यादा होगा डब्ल्यू ज़्यादा होगा, जी कम होगा डब्ल्यू कम होगा, इसलिए ये हर जगह पे चेंज होती है। इसके बाद में मास की जो SI यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम, वेट की जो SI यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, क्योंकि ये एक फोर्स है, वेट की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन, क्योंकि ये एक फोर्स है, और न्यूटन मतलब 10^5 डायन, न्यूटन मतलब 10^5 डायन। देखिए हमारे क्लास में क्या होता था, एक लड़की थी, उसको सब लोग न्यूटन कहते थे, उसको सब लोग न्यूटन कहते थे, सो उसको क्या लगता था कि अरे बाप रे न्यूटन मतलब लोग न्यूटन कह रहे हैं। लेकिन एक दिन फिर ये खुलासा हुआ
कि न्यूटन में 100,000 डायन होते हैं, न्यूटन में 100,000 डायन होते हैं। सो एक्चुअल में उसको 100,000 डायन बुलाते थे, लेकिन उसका शॉर्ट फॉर्म ने कर दिया न्यूटन। सो ये सिर्फ ट्रिक थी एक, कि जिससे न्यूटन की वैल्यू याद रहती है। सो न्यूटन इज इक्वल टू 10^5 डायन, न्यूटन इज इक्वल टू 10^5 डायन होती है। सो ये था वेट और मास का डिफरेंस, वेट और मास का ये था डिफरेंस।